नमस्ते बच्चों, MJC लर्निंग में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी युवक भारती के पाठ 11 कोख जाया नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके मूल लेखक श्याम दरिहरे जी तथा अनुवादक वैद्यनाथ झा जी हैं। भाग एक में हमने अनुदित साहित्य के बारे में अध्ययन किया था, लेखक परिचय तथा पाठ परिचय का अध्ययन किए थे। आज के समाज में भौतिकता का महत्व बढ़ते जा रहा है। आज का समाज धन दौलत को अधिक महत्व दे रहा है। रिश्ते खोखले होते जा रहे हैं, रिश्ते स्वार्थ से भरे हुए हैं, रिश्तों में मजबूती नहीं, एक दूसरे से प्रेम नहीं है। यही कारण है कि दिलीप पिता के मृत्यु के बाद पिता का घर संपत्ति बेचकर सब पैसा अपने नाम कर लेता है। माँ को लंदन ले जाने का आश्वासन देकर एयरपोर्ट ले जाता है, लेकिन माँ को अकेली बिना किसी सहारे के छोड़कर लंदन चला जाता है और माँ हर थक कर वृद्धा आश्रम चली जाती है और शेष जीवन वहीं पर व्यतीत करती हैं। आज के परिवेश में किस तरह से वृद्धों को वृद्धा आश्रम में रहने को मजबूर हो रहे हैं तथा नई पीढ़ी भोग विलास में अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है, इसका सुंदर चित्रण लेखक ने इस कहानी के माध्यम से किया है। अब हम कहानी का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद देखो। वृद्धा आश्रम का अर्थ है जहां पर बुजुर्ग लोग रहते हैं। के प्रबंधक का अर्थ है मैनेजर का फोन कॉल सुनकर मैं अवाक रह गया। मौसी इस तरह अचानक संसार से चली जाएंगी इसका अनुमान नहीं था। ऑफिस से अनुमति लेकर तुरंत विदा हो गया। संग में पत्नी और 4 सहकर्मी भी थे। मन बहुत दुखी हो रहा था। वो भगवान भी कैसी कैसी परिस्थितियों में लोगों को डालते रहते हैं। पत्रों के बारे में जानकारी। गंगा मिश्रा वृद्धा कहानी की मुख्य पात्र। दिलीप गंगा मिश्र का एकलौता पुत्र। रघुनाथ चौधरी गंगा मिश्र के बहन का पुत्र। अब अर्थ देखो। मैं अर्थात रघुनाथ चौधरी कहते हैं कि वृद्धा आश्रम के व्यवस्थापक अर्थात मैनेजर का फोन सुनकर मैं एकदम से शांत हो गया। मुझे कुछ बोलने को ही नहीं हो रहा था। मुझे इस बात का अनुमान नहीं था कि मौसी का अचानक मृत्यु हो जाएगी। आप इस अर्थात कार्यालय से आदेश का अर्थ होता है परवानगी लेकर वहां से चल दिया। मेरे साथ मेरी पत्नी तथा साथ में काम करने वाले 4 लोग थे। रघुनाथ चौधरी कहते हैं कि मन बहुत दुखी था यह सोचकर कि ईश्वर लोगों को कैसी कैसी परिस्थितियों में डालते हैं। एक IAS की विधवा वृद्धा आश्रम में मरती है। ईश्वर का समानार्थी होगा भगवान। आगे देखो। गाड़ी में बैठे बैठे मुझे उस दिन की याद हो आई जब मैं पहली बार वृद्धा आश्रम में मौसी से मिलने आया था। पूछते पूछते जब मैं वृद्धा आश्रम पहुंचा था तो दिन डूबने को था। दिन डूबना अर्थात शाम हो जाना। गाड़ी में बैठकर रघुनाथ चौधरी पूछते पूछते पहली बार मौसी से मिलने वृद्धा आश्रम पहुंचे थे। पहुंचने पर शाम हो गई थी। शहर से कुछ हटकर बना वृद्धा आश्रम का साधारण सा कमरा देखकर आश्चर्य लगा कि भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव की विधवा इस वृद्धा आश्रम में किस प्रकार गुजारा कर रही होंगी। वहां पहुंचने पर रघुनाथ ने देखा एक छोटा सा सामान्य सा दिखने वाला एक वृद्धा आश्रम था। वृद्धा आश्रम को देखकर रघुनाथ झा को आश्चर्य हुआ कि एक बड़े ओहदे पर जिनका पति रहा हो ऐसी IAS की विधवा ऐसे वृद्धा आश्रम में अपना जीवन यापन कर रही हैं। संपूर्ण जीवन बड़ी बड़ी कोठियों बंगलों में रहने वाली मौसी अंतिम समय में शहर से दूर 10-20 अनजान बूढ़ी अनाथ महिलाओं के साथ किस प्रकार रहती होंगी। ऐसी जिंदगी की तो उसे कल्पना तक नहीं रही होगी। मैंने
सोचा था। रघुनाथ चौधरी कहते हैं कि मौसी का पूरा जीवन बड़ी बड़ी इमारतों शानदार घरों में बीता और अपने जीवन के अंतिम समय में एक छोटे से सामान्य वृद्धा आश्रम में जीवन व्यतीत करना होगा ऐसा कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। परिचित देखिए, सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी में लिखा था मातेश्वरी महिला वृद्धा आश्रम। दीवार पर एक स्विच लगा हुआ दिखा, उसको दबाने से लगा कि अंदर कोई घंटी घनघना उठी। कुछ ही पलों के बाद फाटक का छोटा सा भाग खिसका कर एक व्यक्ति ने पूछा, क्या बात है श्रीमान? मुझे मिसेस गंगा मिश्र से मिलना है। मैंने कहा, आपका नाम? रघुनाथ चौधरी। वहां पहुंचने पर एक अंग्रेजी में लिखा बोर्ड दिखा जिस पर अंग्रेजी में लिखा था मातेश्वरी महिला वृद्धा आश्रम। दीवार पर एक स्विच लगी थी जिसको दबाने पर अंदर घंटी बजने लगी। कुछ ही समय के बाद फाटक का छोटा सा भाग खोलकर एक व्यक्ति ने पूछा, श्रीमान जी क्या बात है? मैंने कहा, मुझे मिसेस गंगा मिश्र से मिलना है। उसने फिर पूछा, आपका नाम? मैंने कहा, रघुनाथ चौधरी। ठीक है, आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं उनसे पूछ लेता हूं कि वे आपसे मिलना चाहती हैं या नहीं। यह कहकर उस व्यक्ति ने फाटक फिर से बंद कर लिया अपनी। उसने कहा, ठीक है, आप यहीं इंतजार कीजिए, मैं उनसे पूछकर आता हूं कि वह आपसे मिलना चाहती हैं या नहीं। यह कहकर उसने फाटक बंद कर लिया। आगे का अनुच्छेद देखिए। लगभग 10 मिनट तक मैं कार में बैठा प्रतीक्षा करता रहा। जब जाकर वह गेट खुला और मैं कार सहित अंदर दाखिल हुआ। दाखिल होने का अर्थ है प्रवेश करना। बाहर से बहुत छोटा दिखने वाला यह वृद्धा आश्रम अंदर से काफी बड़ा था। मन में संतोष हुआ कि मौसी अनजान लोगों के बीच तो अवश्य पड़ गई हैं, परंतु व्यवस्था बुरी नहीं है। कार पार्क करने के बाद उस व्यक्ति के साथ विदा हुआ। बता रहे हैं 10 मिनट तक इंतजार करने के बाद उस व्यक्ति ने दरवाजा खोला और मैं गाड़ी के साथ अंदर गया। अंदर देखा तो बाहर से छोटा दिखने वाला वृद्धा आश्रम अंदर से काफी बड़ा था। यह देखकर मन में संतोष हुआ कि चलो अनजान लोगों के साथ ही सही, यहाँ पर रहने की व्यवस्था अच्छी है। कार खड़ी करके उस व्यक्ति से विदा लिया अर्थात आगे चलने लगा। मिसेज गंगा मिस, जिस दिन से यहाँ आई हैं तब से आप प्रथम व्यक्ति हैं जिनसे उन्होंने मिलना स्वीकार किया है। वह व्यक्ति चलते चलते कहने लगा, कैसे कैसे लोग कई कई दिनों तक आकर गिड़गिड़ाते रहे और लौट गए, परंतु मैडम टस से मस नहीं हुई। टस से मस ना होना मतलब अपनी बातों पर अटल रहना। अभी जब मैंने आपका नाम कहा तो वे रोने लगी। मैं प्रतीक्षा करता खड़ा था। थोड़ी देर बाद आंसू पोंछ कर बोली, बुला लाइए। जो गेट खोला था वह व्यक्ति कहने लगा, मिसेज गंगा मिश्र जब से यहाँ पर आई हैं तब से अब तक किसी से मिलना स्वीकार नहीं की। आप प्रथम व्यक्ति हो जिससे वह मिल रही हैं। ऐसा नहीं कि कोई मिलने नहीं आया हो, कई लोग अच्छे अच्छे लोग उनसे मिलने के लिए आए, बहुत विनय भी किए, लेकिन वे किसी से भी नहीं मिली। वह न मिलने की अपनी बात पर अटल रही, लेकिन जब अभी मैंने आपका नाम बताया तो वे रोने लगी। मैं इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे कहा, बुलाइए। अगला अनुच्छेद देखिए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वे आपकी कौन होंगी? फिर उसी ने पूछा, मौसी आप लोग क्या बहुत बड़े हैं? बड़े लोगों की माएं क्या वृद्धा आश्रम में ही अपना जीवन गुजारती हैं? मैंने दुख से प्रश्न किया। प्रश्न का अर्थ होता है प्रश्न के उत्तर में पूछा गया प्रश्न। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर उसने फिर पूछा कि वे आपकी कौन हैं? फिर मैंने उत्तर दिया, मेरी मौसी। उसने फिर पूछा, क्या आप लोग बहुत बड़े लोग हो अर्थात बहुत रईस हो? मैं उत्तर देने में असमर्थ था। मैं बहुत दुखी था
मैंने उसी से प्रश्न के उत्तर में फिर से प्रश्न पूछ लिया कि क्या बड़े लोगों की माँ या वृद्धाएं अपना जीवन वृद्धा आश्रम में व्यतीत करती हैं। आजकल बड़े लोगों की ही अपने माँ बाप को अंतिम समय में वृद्धा आश्रम में भेजने लगे हैं, उनके पास समय ही नहीं होता अपने माँ बाप के लिए। वह फिर कहने लगा, गरीब घर के बूढ़े तो कष्ट और अपमान सहकर भी बच्चों के साथ रहने को अभिशप्त हैं, उनकी पहुंच इस तरह के वृद्धा आश्रम तक कहाँ है। मैंने फिर चुप रहना ही उचित समझा। उसने कहा, आजकल बड़े घर के बुजुर्गों ही अंतिम समय में वृद्धा आश्रम में भेज दिए जाते हैं, संतानों के पास उनके लिए समय ही नहीं होता कि बुजुर्गों की सेवा कर सके। वे अपने आप में धन दौलत में ही परेशान रहते हैं। वह फिर कहा, गरीब घर के बुजुर्ग दुखी और अपमानित होकर भी बच्चों के साथ रहने के लिए मजबूर होते हैं, ऐसा लगता है जैसे उन्हें अभिशाप मिला है। अगला अनुच्छेद, वह व्यक्ति मुझे बाग के छोर अर्थात किनारे पर अकेली बैठी एक महिला की ओर संकेत कर वापस चला गया। मैं वहां जाकर मौसी को देखा, अति दुखी हो गया। वह व्यक्ति अर्थात जिसने गेट खोला था, वह व्यक्ति बगीचे के एक कोने में अकेली बैठी महिला की तरफ इशारा करके वह वापस वहां से चला गया। मैं वहां जाकर मौसी को देखा और देखकर बहुत दुखी हुआ, क्योंकि आगे की पंक्तियों में देखो, कुछ महीने पूर्व ही मौसी को बुलंदी पर देखकर गया था, लेकिन अभी मौसी एकदम लस्त-पस्त लग रही थी। बेटे के विश्वासघात और अपनी दुर्दशा पर व्यथित हो गई थी। रघुनाथ कहते हैं कि कुछ समय पहले मौसी अपने जीवन की ऊंचाइयों पर थी, उनके पास जीवन यापन के हर सुख सुविधा था, लेकिन बेटे के धोखा देने के कारण आज वे पूरी तरह से थकी और उदास लग रही हैं। वे बहुत दुखी हैं, वे जीवन से ऊबी हुई दिखाई दे रही थी। मैंने प्रणाम किया तो उसने मेरा माथा सहला दिया, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोली। मौसी को इस परिस्थिति में देखकर मैं रोने लगा। मैंने मौसी को प्रणाम किया, मौसी कुछ बोली नहीं, मेरा माथा प्यार से सहलाने लगी। माथा सहलाने का अर्थ होता है प्रेम करना। मौसी की ऐसी दशा को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, मैं रोने लगा। आगे की पंक्तियां देखो, मेरे मौसी प्रतिभावान और प्रसिद्ध आईएएस अधिकारी की पत्नी थी। मौसा एक से एक बड़े पद पर रहकर भारत सरकार के वित्त सचिव के पद से रिटायर हुए थे। मैं सोच रहा था कि मेरी मौसी एक कुशल और प्रसिद्ध आईएएस अधिकारी की पत्नी थी। मौसा एक से एक बड़े पद पर रहे, अंत में भारत सरकार के वित्त सचिव के पद से रिटायर हुए थे। फिर भी मौसी को कभी अपने पति के पद और पावर पर का घमंड नहीं हुआ। वह सबके काम आई और आज उनका कोई नहीं, अपना बेटा ही। जब मौसी ने कभी अपने पति के पद और हैसियत पर घमंड नहीं किया, वे सबके लिए कुछ न कुछ मदद किया, लेकिन आज उनका कोई सहारा नहीं। फिर सोचता हूँ कि जब उनका सगा बेटा ही उनका नहीं हुआ तो दूसरा कौन होगा। इस भाग में इतना ही, आगे की कहानी अगले भाग में फिर से बताई जाएगी। धन्यवाद।